बिहार में नया चलन, मां के अंतिम संस्कार में बेटी ने ऑर्केस्ट्रा में बार बालाओं को नचवाया और ये सब हुआ गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के बकरी पंचायत के पहाड़पुर गांव में। देर रात में एक बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद उनके दाह संस्कार की अंतिम शव यात्रा में उनके बेटों द्वारा ऑर्केस्ट्रा डांस के साथ डीजे बजा नृत्यिका को नचाया गया। मौत के पीछे दुख, पीड़ा और सब अपनों के बिछड़ने का दर्द होता है। अपनों के बिछड़ने पर हम शोक मनाते हैं, लेकिन अपनी मां के मरने के बाद बेटों ने डीजे बजाकर जश्न मनाया। इतना ही नहीं, ऑर्केस्ट्रा डांस भी कराया। डीजे की धुन और नृत्यिका डांस के बीच वृद्ध महिला श्रीमती सुदामा देवी उम्र 75 वर्ष की गंगा घाट के लिए अंतिम यात्रा निकाली। शव यात्रा में शामिल परिजन, गांव के युवा, बच्चे और वृद्ध डीजे की धुन पर नर्तकियों के साथ डांस करते हुए सत्तर घाट तक पहुंची। बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस विस्मयकारी घटना की न तो समाज अनुमति देता है और न ही हिमायती है। लोगों ने इस तरह की यात्रा की आलोचना की। लोगों ने कहा, यह कैसा सम्मान, जिस माँ ने बच्चों का लालन पालन कर बड़ा किया, उनके अंतिम संस्कार में डीजे बजाना और डांस करना मातृत्व का अपमान है। यह कैसा बेटा है कि मातम मनाने के बदले जश्न मनाने का फैसला लिया और पूरे गांव को अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही साथ दो नर्तकी को भी बुलाया गया। इसके बाद डीजे बजाकर पूरे गांव में घुमाया गया। फिर डीजे की धुन पर नर्तकी के साथ नाचते झूमते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए सत्तर घाट ले जाया गया। वहीं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने कहा, यह गलत परंपरा की शुरुआत है। वहीं मृत वृद्ध महिला के बेटे शैलेश सिंह ने कहा कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। माँ के मरने के बाद एक गम है तो एक खुशी भी है। उनके द्वारा शमशान घाट पर मिठाइयाँ भी बांटी गई। कल शाम में हुआ था, 7 बजे करीब में। अच्छा, तो हम लोग खुशी खुशी से आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अंदर खुशी है, इसलिए अब अंदर खुशी तो है, मतलब दुख भी है। हाँ, खुश भी है, दुख भी है कि मम्मी को हम ज़्यादा सेवा भी किए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग सब भाई परिवार समाज सब लेकर यहाँ पे आए। आपका नाम? शैलेश कुमार।